सो यहाँ पे जाओ, इसे ओपन करो, और जो लेआउट वाला फोल्डर है इसमें, लेआउट वाले में एक और फोल्डर फुटर, इसके अंदर फाइल फुटर डॉट जे एस एक्स, आर एफ सी ई सेव, और यहाँ पे लास्ट में फुटर ऐड हो चुका है। अब इसे बना देंगे जल्दी से। नीचे फुटर आ गया, बहुत ही जोने वाला फुटर। इसे कट करो, यहाँ लेंगे बॉक्स रिडक्स, चक्राई में से बॉक्स लिया। इसको सिंपली मैं चीज़ें देता हूँ कुछ, क्या क्या पैडिंग, पहले तो 4, ठीक है, एंड बी जी दे रहा हूँ मैं ब्लैक एल्फा 900, और मिनिमम हाइट 10 VH। मिनिमम क्या, सीधा हाइट भी दे सकते हो। अब सबसे पहले हैं स्टैक, क्योंकि वो डेटा तो डायनामिक डेटा तो है नहीं कि मिनिमम हाइट दो ताकि हाइट कम रह जाए। हाँ, सो डायरेक्शन कॉलम या रो, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बता रहा किस लिए। एंड अंदर एक वी स्टैक, अलाइन आइटम्स, सेंटर, अरे सेंटर की स्पेलिंग क्या हो गई, या फिर फ्लेक्स स्टार्ट, ये हुआ अलाइन आइटम्स के लिए। एंड विड्थ करेंगे इसकी 100% फुल, और इसके अंदर देंगे सबसे पहले एक हेडिंग, इम्पोर्ट हो चुकी है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में लिख रहे हैं हम ऑल, ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है, कलर वाइट, एन एक और हेडिंग नीचे कॉपी। इस वाले में हम देंगे चिल्ड्रन में एट द रेट 6 पैक प्रोग्रामर, मतलब अपना नाम दोगे तुम लोग, एट द रेट 6 पैक प्रोग्रामर। इसका कलर देंगे हम येल्लो, येल्लो डॉट 400। एंड इसमें फॉन्ट फैमिली बदल देते हैं, फॉन्ट फैमिली बॉडी, और इसका साइज देंगे SM। सेव करता हूँ, दिखाता हूँ। सो यू सी, ये देखो, ऑल राइट रिजल्ट ऑफ 6 पैक प्रोग्रामर। वी स्टैक से बाहर आ जाओ। अब यहाँ लो एक एच स्टैक, इसमें सबसे पहले स्पेसिंग देंगे 2 फोन में, अदरवाइज 10 नॉर्मली, और जस्टिफाई कंटेंट ये कर देंगे सेंटर, और ए टैग लगाएंगे, और आइकन देंगे TI, ऊपर इंपोर्ट करते हैं, नाम याद नहीं है मुझे, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स स्लैश TI सोशल यूट्यूब सर्कुलर, ठीक है, एंड एक और TI सोशल इंस्टाग्राम सर्कुलर, एंड एक आइकन है जो कि है रिएक्ट आइकन स्लैश DI, और इसका नाम होगा DI GitHub। नीचे आ जाओ, सारा आइकन यूज़ करना है। सो सबसे पहले सोशल यूट्यूब सर्कुलर, ठीक है, और इसमें देते अपने यूट्यूब का आइकन, सो HTTPS
youtube.com/6pack/6packprogrammer वो आ रहा वहाँ पे साइड में। और एक चीज़ जरूर देना, टारगेट ब्लैंक, ताकि इस पर कोई क्लिक करे तो नया टैब खुले। ठीक है, तीन बार कॉपी करूँगा मैं। यहाँ देना इंस्टाग्राम का, यहाँ देना गिटहब का। ठीक है, और यूआरएल बदलना है। सो instagram.com/meabhisingh, फॉलो नहीं कर रहे तो डेफिनेटली फॉलो करो। और बात रही गिटहब की, सो github.com/meabhisingh। ठीक है, यार दिख नहीं रहे हैं, सो इसका पहले कलर वगैरह बदलते हैं। सो कलर देना तीनों को वाइट, सो वो मैं दूंगा इसमें कलर वाइट एंड फॉन्ट साइज 50। ये देखो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही यूट्यूब खुल गया, इस पर क्लिक होते ही मेरा इंस्टा खुलेगा। ठीक है, इस पर क्लिक होते ही मेरा गिटहब खुलेगा। ओके, सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड, राइट। सो फुटर भी ऐड हो चुका है हर वेबसाइट पे। होम पे जाते हैं, सो होम पे भी रहेगा फुटर। ठीक है, और इस पे जाते हैं एक्सप्लोर पे, कोर्स भी आ गए। सो फुटर का काम ख़त्म, अब बनाएंगे हम लॉगिन पेज। ठीक है, सो यहाँ देखें, सो साफ साफ दिखता है कंपोनेंट में ऑथ है, उसके अंदर ये चारों बनेंगे, रजिस्टर, लॉगिन और रीसेट पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड। सो कंपोनेंट में नया फोल्डर ऑथ, जिसमें कि नया फोल्डर लॉगिन, और जिसके अंदर नई फाइल login.js। इनफैक्ट मैं सोच रहा था यहाँ फोल्डर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना देंगे इसके अंदर ही फाइल, ऑथ के अंदर ही login.js, क्योंकि css तो है नहीं हमारे पास, हम तो चक्राई हुआ यूज़ कर रहे हैं। सो ये बनाना काफ़ी इजी होगा, एटलीस्ट फॉर नाउ। कंटेनर लिया, वी स्टैक लिया, इसके अंदर हेडिंग देंगे, हेडिंग कैपिटल हेडिंग, चक्रव्यूह से इंपोर्ट, वेलकम टू कोर्स बंडलर, इसके बाद एक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, HTML का बेसिक क्लासिक फॉर्म। ठीक है, इसमें स्टाइल में हम एक चीज़ करेंगे बस, विड्थ 100%। अब इस फॉर्म में एक देंगे हम फॉर्म लेबल, सो फॉर्म लेबल चक्रा UI से लिया, HTML फॉर ईमेल, चिल्ला दे देंगे हम ईमेल एड्रेस, और इसके बाद एक इनपुट जिस पे लिखा होगा बहुत सारी चीज़ें। सो सबसे पहले रिक्वायर्ड, एंड आईडी दे देंगे ईमेल, क्योंकि ऊपर HTML फॉर ईमेल का ही है। और बात रही वैल्यू की, सो वैल्यू होगी ईमेल जो ऊपर बना लेंगे, एंड ऑन चेंज तो हमें डेफिनेटली पता क्या होता है। यहाँ देंगे हम सेट ईमेल इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, एंड इसके बाद प्लेस होल्डर देना है, सो प्लेस होल्डर तुम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। मैं क्या दूंगा, मैं दूंगा abc@gmail.com। ठीक है, एंड टाइप ईमेल, और एक चीज़ और, फोकस बॉर्डर कलर, ये करने वाले हम येलो 500। और
पहले तो मैं वी स्टैक और कंटेनर्स को कुछ चीज़ें दूंगा। सबसे पहले तो हाइट दूंगा इसको, नाइन्टी फाइव एच, ठीक है। और इसको हाइट दूंगा फुल हमारे वी स्टैक को। एंड इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और स्पेसिंग दे देंगे, स्पेसिंग ज़रूरी है 16, इसके बिना तो भीचा भीचा लगेगा। सो पहले तो यूज स्टेट से हमें बनाना है ईमेल और सेट ईमेल, यूज स्टेट, और ये ऊपर ही रखो ना, अलग से क्यों इंपोर्ट किया। राइट, अब देखते हैं। तो जाते हैं लॉगिन पे, और ओके लॉगिन पे जाने के लिए मुझे हेडर को पहले फॉल्स करना पड़ेगा वहाँ पे इस ऑथेंटिकेटेड को। सो फॉल्स, लॉगिन पे गए और अभी तक ऐप में हमने ऐड ही नहीं किया है लॉगिन का पेज। सो इंपोर्ट और स्लैश लॉगिन पे ये वाला पेज रेंडर होगा अब, ठीक है। वेलकम टू कोर्स बंडलर, और ऐसी ऐसा दिख रहा हमारा फॉर्म। तो जल्दी से पूरा बनाते हैं इसको, फिर सही दिखेगा। और ये ऐसे नहीं दूंगा मैं इसे, बल्कि एक बॉक्स में रखूँगा। सो बॉक्स इंपोर्ट हो गया, उसके अंदर ये, और इस बॉक्स का मार्जिन वाई दूंगा मैं, मार्जिन वाई एम वाई दे देते हैं डायरेक्ट, मार्जिन वाई 4, ठीक है। इसी को अगेन कॉपी नीचे पेस्ट, HTML फॉर पासवर्ड, और यहाँ लेबल दे देंगे हम पासवर्ड सिंपली, ID पासवर्ड, ईमेल की तरह ऐसे ही कॉपी करेंगे पासवर्ड, सेट पासवर्ड, सो पासवर्ड, सेट पासवर्ड, एंड प्लेस होल्डर में देंगे एंटर योर पासवर्ड बेटा, एंड टाइप होगा इसका पासवर्ड, और बाकी सारी चीज़ें सेम। सो सेव करते हैं दोबारा। सो इसी दो चीज़ आ गई, एंड इस बॉक्स के बाद अब एक और बॉक्स, ठीक है, जिस पे कि एक लिंक होगा रिएक्ट राउटर डोम से, जो कि कहाँ जाएगा, टू स्लैश फॉरगेट पासवर्ड, और अंदर बटन देंगे ऑब्वियसली। सो इंपोर्ट हुआ बटन भी हमारा, एंड इस बटन को क्या दूंगा मैं, एक तो फॉरगेट पासवर्ड का टेक्स्ट, फॉरगेट पासवर्ड्स, फॉरगेट पासवर्ड, और इसमें फॉन्ट साइज कर दूंगा फॉन्ट साइज SM, और वेरिएंट जो बटन के वेरिएंट है घोष कर रहे हैं अभी तक, लिंक कर दूंगा, ठीक है। और एक बटन जिसमें कि मार्जिन वाई रखेंगे हम कितना, 4, और कलर स्कीम इसकी वही येलो, टाइप सबमिट, बटन का टाइप सबमिट, ताकि दबाते फॉर्म सबमिट हो जाए, और बटन के बीच का टेक्स्ट लॉगिन बस। सो अब ऐसा दिख रहा है, इसे दबाते फॉर्म सबमिट होगा, पर पहले भरना पड़ेगा, और इससे फॉरगेट पासवर्ड पे पहुँचेंगे, ठीक है। सो बेसिक सा बना लिया हमने, इसके बाद एक चीज़ और देंगे बस, बटन के बाहर अगेन एक बॉक्स विद मार्जिन वाई 4, डॉलर नहीं 4, और इसमें लिखा हुआ बेसिकली न्यू यूज़र, एंड अगर ऐसा है सो एक लिंक टैग, जो कि जाएगा स्लैश रजिस्टर, RegisterR, रजिस्टर, और बीच में टेक्स्ट दे देंगे हम, बटन देंगे पहले तो, इस पर लिखा होगा साइन अप, ठीक है। और इस बटन की कुछ प्रॉपर्टीज़, कलर स्कीम येलो,
और वेरिएंट अगेन लिंक, साइन अप, सेव करूँगा और इस बटन के बाहर हेयर और टाइप कर दूँगा हेयर, क्योंकि मैं अब दिखाता हूँ साइन अप है। और यहाँ एक 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 स्पेस ऐड कर दूँगा, सो उसके लिए एक स्पेस यहाँ और न्यू यूज़र में खुद ही आ गया स्पेस, ठीक है। अब एक एक स्पेस है, न्यू यूज़र साइन अप हेयर रजिस्टर पे हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हमने बना लिया इसका पूरा। और फ़ोन में कैसा दिखेगा ये? फ़ोन में दिखेगा ये ऐसा ऐसा, कोई कहीं से ओवरफ्लो नहीं, क्यों? क्योंकि कंटेनर का यूज़ किया हमने, कंटेनर खुद ही एडजस्ट हो जाता है इसके हिसाब से, ठीक है। सो लॉगिन का हमने बना लिया, तो हमने देखा कितना इजीली बना पाए हम। और जब रीडक्स वगैरह ऐड करेंगे बैक एंड बनाने के बाद, तो यहाँ पे सिंपली डिस्पैच कर देंगे। सो यहाँ पे बस फंक्शन ऐड करना पड़ेगा और इतनी इजीली हमने बना लिया, राइट। अब बनाते हैं हम रजिस्टर का।